वीडियो गेम कंट्रोलर्स। अगर आपके पास मेरी तरह कोई गेमिंग कंसोल नहीं है जैसे कि प्लेस्टेशन या फिर एक्सबॉक्स, मैं फिर भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने कभी ना कभी एक कंट्रोलर जरूर यूज किया होगा। आपने बचपन में डक हंट तो खेला ही होगा। हाँ, वही गेम जिसमें हम एक कंट्रोलर गन से एक CRT मॉनिटर के अंदर एक डक को शूट करते थे, जिसमें अगर हम मिस करते थे तो हमें एक डॉग चिढ़ाता था। और आज भी वो एक राज है कि वो गन कैसे काम करती थी, लेकिन इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि ये गन कैसे काम करती थी। सो आइए जानते हैं गेमिंग कंट्रोलर्स के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वीडियो गेम कंट्रोलर्स को इन्वेंट किसने किया। राल्फ हेनरी बेयर, इनको इन्वेंटर ऑफ वीडियो गेम्स भी कहा जाता है। इन्होंने दुनिया का सबसे पहला वीडियो गेम कंट्रोलर डिजाइन किया, और तो और इन्होंने दुनिया का सबसे पहला वीडियो गेम कंसोल भी डिजाइन किया। इनका जन्म 8 मार्च 1922 में हुआ और डेथ 6 दिसंबर 2014 में हुई। इनकी डेथ तक इनके पास 150 पेटेंट्स थे। रेल्फ एक जर्मन अमेरिकन वीडियो गेम डिजाइनर और इंजीनियर थे। उन्होंने वर्ल्ड वॉर टू के स्टार्ट से जस्ट पहले जर्मनी को छोड़ दिया और अमेरिका आ गए। अमेरिका की एक छोटी सी फैक्ट्री में रेल्फ एक सेल्फ टॉट वर्कर थे, जहां पर उनकी वीकली पे $12 थी। वहां पे उन्होंने एक बस स्टेशन पे एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का एड देखा। वहां पर उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी और एजुकेशन के लिए चले गए। एज ए रेडियो सर्विस टेक्नीशियन उन्होंने 1940s में ग्रेजुएशन की। बाद में उन्होंने अमेरिका के लिए वर्ल्ड वॉर टू में सर्व भी किया, जहां पर वॉर के बाद उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स और वीडियो गेम्स में इंटरेस्ट आने लगा। 1966 के आते उनका इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया था। उन्होंने देखा कि अमेरिका के घरों में टीवी की डिमांड बढ़ रही है। यहां उन्हें घरों में टीवी पर वीडियो गेम्स खेलने का आइडिया आया और दुनिया का पहला वीडियो गेम कंसोल बना डाला, जिसका नाम था ब्राउन बॉक्स था। और ये ब्राउन बॉक्स आगे जाके दुनिया के पहले होम वीडियो गेम कंसोल का ब्लूप्रिंट बनने वाला था। रेल्फ को अब एक बायर की तलाश थी, बट कोई भी टेलीविजन कंपनी रेल्फ के इन्वेंशन में इंटरेस्टेड थी ही नहीं। बाद में इस इन्वेंशन को मैग्नावॉक्स को लाइसेंस कर दिया गया और इसके नाम को चेंज करके मैग्नावॉक्स ओडिसी कर दिया गया। मई 1972 में इसको पब्लिक के लिए लॉन्च कर दिया गया। ये कंसोल काफी सक्सेसफुल रहा और इसकी 3,40,000 यूनिट्स बिकी। एक कंट्रोलर एक ऐसा इनपुट डिवाइस होता है जो कि किसी वीडियो गेम या फिर किसी एंटरटेनमेंट सिस्टम के अंदर इनपुट देने के लिए यूज होता है। जो कंट्रोलर्स एक स्टैंडर्ड कंसोल के बॉक्स के अंदर आते हैं उन्हें स्टैंडर्ड कंट्रोलर्स कहते हैं, और जो कंट्रोलर्स सेपरेटली सोल्ड होते हैं या फिर खरीदे जाते हैं उन्हें थर्ड पार्टी या फिर पेरिफेरल कंट्रोलर्स कहते हैं। गेमिंग कंट्रोलर्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि गेम पैड कंट्रोलर्स, जो कि सबसे कॉमन कंट्रोलर्स का टाइप है, जो कि हमें प्लेस्टेशन या फिर एक्सबॉक्स के साथ मिलता है। एक गेम पैड को जॉय पैड भी कहा जाता है। इसको दोनों हाथों से पकड़ के थम्स और फिंगर्स का यूज करके इनपुट देने के लिए यूज किया जाता है। जॉयस्टिक भी एक टाइप के कंट्रोलर्स होते हैं, जो कि जनरली 2 या फिर 3 एक्सिस में टिल्ट होते हैं। इनको जनरली फ्लाइट सिमुलेटर्स में यूज किया जाता है। स्टीयरिंग व्हील्स एंड पेडल्स भी एक टाइप है गेम कंट्रोलर्स का, और ये कंट्रोलर्स ज्यादातर ड्राइविंग गेम्स खेलने में यूज होते हैं, जैसे कि यूरो ट्रक सिमुलेटर, अमेरिकन ट्रक सिमुलेटर या फिर फोर्जा होराइजन। लाइट गन भी एक कंट्रोलर्स का टाइप है। हाँ, वही गन है जिससे हमने बचपन में डक हंट गेम खेला है। टच स्क्रीन, माउस और कीबोर्ड भी कंट्रोलर्स ही हैं। ये सारे कंट्रोलर्स अलग अलग डिवाइसेस के लिए बने होते हैं, जैसे कि कुछ कंट्रोलर्स सिर्फ पीसी पर काम करते हैं लाइक माउस एंड कीबोर्ड, और कुछ कंट्रोलर्स सिर्फ कंसोल्स पर काम करते हैं। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, क्योंकि जुगाड़ वर्क्स एवरी टाइम। अब मैं आपको बता देता हूँ कि एक लाइट गन कैसे काम करती है। ये गन सिर्फ CRT मॉनिटर्स पर ही काम करती है। सो जब भी इस गन को आप अपने टीवी की स्क्रीन के आगे ऐसे पॉइंट करते हो और फिर ट्रिगर दबाते हो, तो कुछ मोमेंट्स के लिए आपकी टीवी की स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और आपका टारगेट एक व्हाइट स्पॉट बन जाता है। दूसरी तरफ हमारी गन के अंदर एक फोटो डायोड होता है या फिर एक फोटो ट्रांजिस्टर होता है। अगर वो व्हाइट स्पॉट आपके गन के फोटो डायोड के पाथ से मैच कर जाता है तो एक परफेक्ट शॉट काउंट हो जाता है, लेकिन अगर वो मैच नहीं करता है तो आपका टारगेट मिस हो जाता है। इस लाइट गन को भी रेल्फ एच बियर ने ही बनाया था। गेमिंग इंडस्ट्री में इनोवेशन के लिए रेल्फ एच बियर का जितना धन्यवाद किया जाए वो कम है। यहाँ तक कि एप्पल कंप्यूटर्स के को फाउंडर स्टीव वोजनियाक भी कहते हैं, "I can never thank Ralph enough for what he gave to me and everyone else."